आज हम ECM लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। आइए अब उसका ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। टू कैलकुलेट द पावर एंड पावर फैक्टर इन ए सिंगल फेस AC सर्किट बाय 3 एमीटर मेथड। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने पावर को वॉट मीटर से मेजर किया था। यदि हमारे पास वाटमीटर ना हो लेकिन एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस व 3 एमीटर हो व लोड RL हो यानी उसमें इंडक्टेंस हो तो हम 3 एमीटर को यूज़ करके पावर और पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में हम इन अपरेटर्स को यूज़ में लाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में पावर निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को प्रयोग में लाएंगे। P = I1² - I2² - I3² × R/2 और पावर फैक्टर के लिए cos φ = I1² - I2² - I3² / 2I2 / I3 को प्रयोग में लाएंगे। स्क्रीन पर आपके सामने इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम प्रदर्शित किया जा रहा है। आइए अब 3 एमीटर मेथड का सर्किट डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले हम एक DPST स्विच बना रहे हैं और इसमें पोलैरिटी जो है फेस और न्यूट्रल की होगी। देखिए सबसे पहले हम अमीटर में जा रहे हैं जो कि टोटल करंट पढ़ेगा जो I1 करंट होगी। यहाँ पर हम एक अमीटर लगा रहे हैं। इस अमीटर से 2 ब्रांच निकलेंगी। एक ब्रांच लोड के लिए चली जाएगी और दूसरी ब्रांच में हम नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस जिसकी की वैल्यू हमको मालूम है लगाएंगे और उसके बाद उसमें जो करंट फ्लो करेगी जो कि I2 करंट है अमीटर लगाएंगे, दूसरा अमीटर, और ये अमीटर लौट कर जो DPST की जो दूसरी पोलैरिटी है न्यूट्रल पर चला जाएगा और इस ब्रांच में हम लोग लोड लगाएंगे। तो लोड सबसे पहले हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और उसके बाद वेरिएबल इंडक्टेंस लगाते हैं और यहाँ पर एक तीसरा मीटर लगा रहे हैं जो कि I3 करंट पढ़ेगा और ये इसका सिरा भी लौट करके वापस इसी पोलैरिटी पे आ जाएगा। तो आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ये एक ही पॉइंट है। अगर मैं लाइंस को हटा करके इसको यहाँ जोड़ दूँ सबको इकट्ठा करके तो ये एक ही बात है। इस अमीटर में जो I2 करंट फ्लो करेगी उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेस में होंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस नॉन इंडक्टिव है। और थ्योरी में आपके सर ने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया होगा और इसी से इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फार्मूलों को देख करके ही कैलकुलेशंस आगे करेंगे। देखिए अब हम इसका कनेक्शन डायग्राम बनाएंगे और हमारे पास एक DPST स्विच है और 3 हमारे पास अमीटर है एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी की वैल्यू हमको मालूम है और हमारे पास
लोड है जिसमें हम रेजिस्टेंस को अलग से वेरी कर सकते हैं, और एक इंडक्टेंस है जिसको भी हम वेरी कर सकते हैं, और अमीटर के भी दो टर्मिनल हैं तीनों के दो दो, और ये रेजिस्टेंस है नॉन रेजिस्टेंस जिसके भी दो टर्मिनल हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस और वेरिएबल इंडक्टेंस के भी दो दो टर्मिनल हैं। अब हम देखिए इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो डीपीएसटी का पहला तार हमारा जो टोटल करंट पड़ेगा मेन सर्किट की उसमें जाएगा, और यहाँ से दो ब्रांच निकलेंगी। तो मान लीजिए हम पहले लोड पे ले जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हमने ये इस तीसरे मीटर को कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, इस रेजिस्टेंस से इस इंडक्टेंस को जोड़ दिया, और ये इंडक्टेंस के सरा लौट करके वापस इस पर कनेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से लोड सर्किट जो है सीरीज वाला कनेक्ट हो गया। अब हम इसी एमीटर से एक तार दूसरे एमीटर में जोड़ेंगे, और एमीटर का दूसरा सिरा इस रेजिस्टेंस के नॉन रेजिस्टेंस के पहले सिरे पे जोड़ेंगे, और नॉन रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा वापस लौट करके सी पॉइंट पे जुड़ जाएगा। तो ये आपका सर्किट डायग्राम पूरा हो गया है, और इसके बाद हम सब लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और रीडिंग लेंगे। इसमें अभी आपने देखा कि हमने एमीटर पहले लगा दिया है और रेजिस्टेंस बाद में लगाया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रेजिस्टेंस पहले लगा दीजिए और एमीटर बाद में लगा लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से हमने ये सर्किट वायर से कनेक्ट कर लेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है थ्री एमीटर मेथड, इसको भी हमने आपको पहले कागज़ पर समझाया है, इसका सर्किट डायग्राम और कनेक्शन डायग्राम आप समझ चुके हैं। तो देखिए अब सबसे पहले इस डीपीएसटी से एक तार लेकर के हम लोग पहले एमीटर पे जा रहे हैं, जो I1 करंट पड़ेगा, सर्किट की टोटल करंट होगी। तो देखिए इसका सिरा हमने यहाँ कस दिया है, और यहाँ से पहली ब्रांच जो कि फिक्स रेजिस्टेंस में जाएगी, देखिए यहाँ से ये सफ़ेद तार हमने लगाया है, और ये दूसरा मीटर जो है इसके सिरे पे कनेक्ट कर दिया गया है, और ये जो मीटर आप देख रहे हैं इसकी रेंज आप देखिए, जैसे 3 से 3.5 के बीच में 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न 0.05 का होगा, और जो पहला मीटर है उसमें आप देखिए 2 से 3 के बीच में 5 डिवीज़न है, तो यानी कि एक डिवीज़न 0.2 एम्पियर का होगा। ये I1 करंट पड़ेगा, और ये अमीटर जो है वो I2 करंट पड़ेगा। देखिए ये पहली ब्रांच पहले अमीटर से निकल करके दूसरे अमीटर के सिरे पर आई है, और दूसरे अमीटर का जो दूसरा सिरा है वो देखिए हमारे इस रियोस्टेट पर जा रहा है, और रियोस्टेट का दूसरा सिरा लौट करके वापस हमारे डीपीएसटी के दूसरे पॉइंट पर आ रहा है, ये देखिए ठीक है। और ये जो रियोस्टेट है ये आपने अभी देखा है कि ये इसकी वैल्यू 101 ओम है। अब देखिए उसी पहले एमीटर से दूसरी ब्रांच जिसमें से I3 करंट बहेगी वो हम कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये नीला तार हमने इस एमीटर से कनेक्ट कर दिया, और ये नीला तार देखिए ये लौट करके इस एमीटर पे आ गया है जो I3 करंट पड़ेगा, और आप देखिए इसका लीस्ट काउंट भी जैसे 2 से 2.5 के बीच में देखें तो 0.5 एम्पियर पड़ता है, और इसके बीच में 10 डिवीज़न है तो एक डिवीज़न 0.05 पड़ेगा। और इस मीटर में देखिए ये मूविंग आयरन का निशान बना हुआ है और AC का निशान बना हुआ है, सिंबल आप देख पा रहे हैं। तो ये मीटर I3 कनेक्ट पड़ेगा, और देखिए हमने ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और इसका दूसरा सिरा देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया है,
और ये लौट करके जो रजिस्टर्ड ट्रॉली है उसके पहले सिरे पर जाएगा और रजिस्टेंस का दूसरा सिरा लौट करके इंडक्टेंस पर जाएगा। और देखिए ये इंडक्टेंस के पहले सिरे पे हमने कस दिया और इंडक्टेंस का दूसरा सिरा लौट करके DPST के उसी पॉइंट पर वापस चला जाएगा। और देखिए अब हमने यहाँ पर इसको कस दिया है और अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। तो चलिए अब हम रीडिंग को नोट करने के लिए इंतजाम कर लेते हैं और देखिए अब हम नोट करेंगे। चलिए ऑन करिए। तो देखिए ये हमारा सप्लाई ऑन हो गई है और अभी 227 ये 226 वोल्ट करीब डिजिटल मीटर पर दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ से सप्लाई जा रही है और ये DPST का इनपुट हो गया और ये DPST का आउटपुट हो गया। तो जब हम इस हैंडल से ऑन करके इसको ऑन करेंगे तो सर्किट हमारा ऑन हो जाएगा। तो देखिए अभी ऑन, अब हमने ऑन कर दिया है। तो देखिए हम पहली रीडिंग नोट कर रहे हैं। देखिए ये है लगभग 3.2 या 3.1 मान लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने लिख लिया 3.1 एम्पियर। अब सेकंड रीडिंग देखते हैं 1.85। तो सेकंड रीडिंग है वो 1.85 और अब थर्ड रीडिंग हम नोट कर रहे हैं I3 जो कि सब मीटर में है। देखिए ये है 1.6 एम्पियर। अब हम नोट कर लेते हैं 1.6 एम्पियर। अब देखिए हम लोड थोड़ा सा वेरी करते हैं और ये इसको चेंज करते हैं। इंडक्टेंस को वेरी किया है। अब देखिए रीडिंग कितनी हो गई, ये हो गई 2.6 और I2 की रीडिंग 1.85। इसमें कोई बदलाव नहीं है और I3 1.2 एम्पियर करीब। और तीसरी रीडिंग के लिए हम रजिस्टर ट्रॉली का एक लोड ऑन कर रहे हैं। देखिए हमने ऑन कर दिया और अब हम रीडिंग नोट करेंगे। देखिए ये करंट लगभग 4 एम्पियर है, I1 करंट और I2 करंट लगभग फिक्स ही है 1.85 एम्पियर और I3 करंट 2.5 एम्पियर। इस प्रकार हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है और इसकी सप्लाई को हम ऑफ कर रहे हैं और अब हम इन रीडिंग से पावर और पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो रीडिंग्स हमने नोट करी थी अब हमने उसको टेबल में लिख लिया है और हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये भी आप एक बार देख लीजिए। हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 101 ओम थी तो पावर का फार्मूला आपको मालूम है। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं, जैसे पहली रीडिंग के अंदर आप देखिए I1 की रीडिंग 3.1 थी, I2 की 1.85 और I3 1.6 थी। उनके स्क्वायर करके
सब्सट्रैक्ट करके हमने ये कैलकुलेशन करी है और इसकी वैल्यू आई है 183.31 वाट्स, जिसको कि हमने टेबल में नोट कर दिया है। इसी तरह से पावर फैक्टर के लिए ये फार्मूला आपको मालूम है और इसमें हमने वैल्यूज तीनों करंट्स की रख दी, तो जो कैलकुलेशन किया तो पावर फैक्टर 0.61 आया। तो इस तरीके से ये एक से कम आ रहा है और लैगिंग पावर फैक्टर है। और इसी प्रकार आप सब लोग अपनी कॉपी पर कैलकुलेशन शो करेंगे और तीनों रीडिंग्स की इस तरह से रीडिंग्स हम कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए, पहली रीडिंग जो है वो 0.61 आई पावर फैक्टर की, और दूसरे की 0.42, तीसरे की 0.68, और ये इनकी पावर आई है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा होता है। थैंक यू।